रक्षा में आत्मनिर्भरता। हमारी सरकार निर्यातों को कम करने और सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पूंजीगत खरीद बजट के 2021-22 में 58% से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए 68% तक उत्कृष्ट किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास कार्य उद्दृष्टि रक्षा अनुसंधान और विकास बजट के 25% के साथ उद्योगों, स्टार्टअप और शिक्षा जगत के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योगों को एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफॉर्म और उपकरणों के डिजाइन और विकास निष्पादित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला निकाय को व्यापक परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया जाएगा। उदीयमान अवसर कृत्रिम सतर्कता भू स्थानिक तंत्र और ड्रोन सेमीकंडक्टर और इसका पारितंत्र अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जेनोमिक्स फार्मास्यूटिकल्स ग्रीन एनर्जी और स्वच्छ आवागमन तंत्रों में बड़े पैमाने पर धारणीय विकास की सहायता करने तथा देश को आधुनिक बनाने की भारी संभावना है। ये युवाओं के लिए रोजगार अवसर प्रदान करते हैं तथा भारतीय उद्योग जगत को अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। सहायक नीतियां सरल विनियमों घरेलू क्षमताओं के निर्माण के लिए सुविधा परक कार्यों और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने जैसे कार्यों से सरकार के दृष्टिकोण को दिशा निर्देशित किया जाएगा। इन उदीयमान अवसरों में अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए शिक्षा जगत उद्योग और सार्वजनिक संस्थाओं के बीच सहयोग के प्रयासों के अलावा सरकारी अंशदान प्रदान किया जाएगा। ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परक कार्य जलवायु परिवर्तन के जोखिम सबसे बड़ी बाहरी नकारात्मकताएं हैं जो भारत तथा अन्य देशों को प्रभावित करती हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत नवंबर में ग्लासगो में संपन्न हुए COP26 शिखर सम्मेलन में कहा था, आज किसकी आवश्यकता है यह ध्यान देने योग्य है और अविवेकी तथा विनाशकारी उपभोग की बजाय उपयोग पर विचार करना है। पंचामृत में यथा प्रतिपादित निम्न कार्बन विकास रणनीति को उन्होंने घोषित की धारणीय विकास के प्रति हमारी सरकार की दृढ़ कटिबद्धता का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन है। यह रणनीति रोजगार के बड़े अवसर खोलती है और देश को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाएगी। तदनुसार इस बजट में अनेक अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्य प्रस्तावित हैं। सौर ऊर्जा 2030 तक संस्थापित और क्षमता के 280 GW के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए घरेलू विनिर्माण को सुविधा प्रदान करने के लिए सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पॉलीसिलिकॉन से पूर्णतः समेकित विनिर्माण एककों के लिए प्राथमिकता के साथ उच्च प्रभावी मॉड्यूलों के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन हेतु 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।